अस्सलाम वालेकुम अली, आपका कैमरा नहीं शो हो रहा, इसको काइंडली ऑन करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मा हफीज़ है और आज मेरे साथ अली ब्लॉन्ड हैं जिनका ताल्लुक सवाबी से है और आप एज अ कंटेंट लीड काम कर रहे हैं ब्लिट्स मैट्रिक्स में। सो थैंक यू सो मच अली फॉर गिविंग योर टाइम। आज हम आपके बारे में थोड़ा जानेंगे, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और कैसे आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया, तो काइंडली मेरी ऑडियंस को अपने बारे में बताइए। जी प्लेजर टू बी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया उज्मा मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। एज यू इंट्रोड्यूस मी, मेरा नाम है अली। सोशल मीडिया पे अली ब्लॉन्डी के नाम से चैनल्स हैं। जो मेरा सबसे बड़ा स्किल है वो है वीडियो एडिटिंग, लेकिन उनके साथ एडिटिंग के साथ स्ट्रेटेजी बनाना बिजनेस ओनर्स के लिए और उनको पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प करना। तो पहले मैं एडिटर था, फिर उससे शिफ्ट हुआ स्ट्रेटेजी पर, फिर उससे थोड़ा सा मार्केटिंग में, एंड देन फिर उसी इम्प्रूवमेंट्स को करते हुए मैं टीम लीड बन गया। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है मेरा, जो कि एक 2 साल की जर्नी है ब्लड मैट्रिक्स के साथ। एंड यही, पहले मैं एडिटर ज्वाइन किया था ब्लड मैट्रिक्स के साथ, फिर उसके बाद थोड़ी सी टीम आ गई तो उनको गाइड करने लगा, फिर उसके बाद जो वीडियो का सारा काम था कंपनी का वो संभालने लगा। तो जैसे आपका जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है, क्या ओरिजिनल नाम ही अली ब्लॉन्ड है या ये इसकी क्या स्टोरी है, कैसे ये चेंज हुआ? जी, मेरा ओरिजिनल नाम था अली अख्तर रहमान, लेकिन जब मैं रेहान साहब को ज्वाइन करने वाला था तो मेरी पहली मीटिंग में उन्होंने मुझे सजेशन दी थी कि आप इसके अपने नाम के साथ ब्लॉन्ड लगा दो तो आपको सर्च इंजन में मसला नहीं होगा। वेन एवर समवन सर्च फॉर यू एंड योर नेम, यू विल बी कम फर्स्ट। तो अगर आप ट्राई करें गूगल पे, तो गूगल पे आपको 20-30 लड़कियां मिलेंगी, एक मैं लड़का मिलूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये वाला वर्ड लड़कियां ज्यादा यूज करती हैं एंड आई यूज इट, तो इट वर्क्स फॉर मी। तो अगर गूगल पे डोमिनेशन के लिए मुझे ये करना पड़ा, इस तरह फेसबुक पे भी और दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स पे भी, क्योंकि एक नाम पे बहुत सारी आइडियाज होती हैं, तो अगर कोई नया बंदा सर्च करता है तो इट क्वाइट हार्ड टू फाइंड द रियल अकाउंट। तो इसमें से फिर मुझे रेहान साहब ने सजेशन दी, फिर मैंने नेम में चेंजेस की और अभी तक 3 साल हुए होंगे, अभी तक वही नेम है और सारा कुछ ब्रांडिंग सारी चीज़ें हैं, मेरी वेबसाइट और सारी चीज़ें इसी नाम पर ही हैं। तो लोग मुझे इस नाम से ज़्यादा जानते हैं, अपने रियल नाम से कम जानते हैं, जो कि अली अख्तर जमान है। सही जी, बिल्कुल। आपके एक्चुअल नेम तो आज ही पता चला मुझे भी और आपको सारे अली ब्लॉन्ड के नाम से ही जानते हैं। आपने जैसे कि आपका ताल्लुक सवाबी से है, तो आपकी जो इनिशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है और आपने कहाँ से हासिल की? अच्छा, मेरी इनिशियल क्वालिफिकेशन और सारी चीज़ें यहाँ से ही हैं, सवाबी से। पहले मैंने मैट्रिक की 2018 में, देन फिर मैंने डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया फ्री मेडिकल के लिए। पहले मुझे शौक था कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, देन 2 साल बाद पता चला कि यार ज़िंदगी कैसे गुजरती है, हाउ डज जो एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ से आते हैं, बाप कैसे पैसे कमाते हैं, आगे क्या होगा, पीसीस के लिए जो सेमेस्टर पीस होती है उसके लिए पैसे जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे। तो वो उस साइड हालत ऐसी थी कि वी कॉन्ट कवर इट, तो आई प्रेफर कि मुझे अभी स्टॉप करना चाहिए, इंस्टेड मुझे पैसे कमाने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, जो कि ज़रूरी था। एंड फिर उस दौरान मैंने फिर 2020 में सेकेंड ईयर की, जो कि 2021 में कोविड का साल था और सारी चीज़ें, तो मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए थे, सेकेंड ईयर के फिर मैंने नहीं दिए थे। वो फिर बोर्ड वालों ने कोई एक स्कीम निकाली थी जिस तरह आपके फर्स्ट ईयर के नंबर्स होंगे तो वो आपको पास कर देते, तो फिर मुझे यकीन नहीं था कि मैं पास कर लूँगा, क्योंकि मैं कंप्यूटर्स की दुनिया में बहुत घुस चुका था और फिर मैंने किताब टच भी नहीं की थी, तो वो फिर मुझे प्लस पॉइंट मिल गया, फिर बच गया किसी हालत से। फिर 2-3 साल स्ट्रगल की, रेहान साहब के साथ काम किया 2 साल, क्लोज टू 2 साल, 16-17 महीने। देन पहले मैंने दूसरी कंपनी, मेरी ब्लड मैट्रिक्स ही रही और उसके साथ साल पूरा होने वाला है। तो इस तरह की छोटी मोटी जर्नी है। 2 साल 3 साल मैंने मिस किए हैं डिग्री नहीं करने के लिए,
क्योंकि मुझे पैसे ज़रूरी थे डिग्री से ज़्यादा, क्योंकि डिग्री को मैंने का नहीं सकता था, पैसों से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अब मैं एडमिशन लूँगा आगे, जो भी मेरी हेल्प चाहिए। उस टाइम जो मैं एडमिशन लेने वाला था वो भी एक गलत रास्ता था, शायद मैं इधर ना होता अगर मैंने एडमिशन ली होती, राइट? तो अभी तक सफ़र कर रहा होता। तो उसमें से अब मैं एडमिशन जाके लूँगा जो कि एंटरप्रेन्योरशिप टाइप होगी, और वो भी 2 साल की होगी, 4 साल में नहीं दे सकता ना, मेरे पास इतना टाइम है ना एनर्जीज हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रॉपर टाइमिंग मानती है अगर आप सही मानों में करें। अगर आप डिग्री लें तो आपको कहीं से भी फेसबुक मिल जाती है। सही, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने पैसे कमाने हैं तो उसके लिए आपके पास कोई ज़्यादा अच्छी डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है। नो 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 नो, यू जस्ट नीड करेज, परसिस्टेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, राइट गाइडलाइन चाहिए। अगर आप गाइडलाइंस के बगैर चल रहे हैं, तो इसका मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि आप किसी जगह जाना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि वो उसका रोड मैप है भी या नहीं, यही भी है, और आप चलते जा रहे हैं, तो आपकी डिस्टिनेशन कुछ नहीं होगी, राइट? फिर आप कहीं पहुंचेंगे, फिर आपको पता चलेगा ये तो मेरा पॉइंट था ही नहीं, ये तो मैं हासिल करना ही नहीं चाहता था। तो उसमें से फिर डबल हर्डल्स हैं। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, जो कि हम सब नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम स्किल के पीछे, ट्रक की बत्ती के पीछे चलते हैं। तो ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं चलना, आपने साथ साथ स्किल भी सीखनी है, साथ साथ किसी से पूछना भी है। अपनी इंडस्ट्री में ऐसे लोगों को फॉलो करें जो कि वो काम पहले कर चुके हैं, राइट? हमारी इंडस्ट्री में ये है कि अंग्रेज सारे कर चुके हैं, पाकिस्तान में कोई नहीं है। मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, पाकिस्तान में तो कोई नहीं है, राइट? अगर है भी तो उनकी ईगो का लेवल इतना है कि अगर आप उसको मैसेज करो तो वो रिप्लाई नहीं देंगे। पैसे इतने नहीं कमाएंगे, लेकिन ईगो उनका इलान मस्क जैसा होगा, राइट? तो इंस्टेड ऑफ हैविंग कि आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो दिमाग है, वो आपको बिल्कुल डाउन टू अर्थ रखना है, तो सब चीज़ें चलेंगी उसमें से। इंस्टेड अगर मैं कंपैरिजन करूं अंग्रेज़ों के साथ, तो वहाँ बहुत बड़ी बला होगी, बहुत बड़ा कंपनी का मालिक होगा, उसको आप मैसेज करेंगे अच्छी तरह, जो कि एक तरीका है, आसान सा तरीका है। पाकिस्तानी लोग उसको कहते हैं, यार इस पे तो मुझे रिप्लाई नहीं आएगा, तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन वो काम करता है, वो पोलाइटली रिप्लाई भी देता है। अगर आप उसके मेंटोरशिप में जाना चाहते हो तो वो पेड होती है, पैसे लेते हैं, राइट? कुछ $400, कुछ $200, कुछ 1,000, डिपेंडिंग ऑन कि आप किससे मेंटोरशिप लेना चाहते हैं। तो उसमें से वो पैसे लेते हैं, लेकिन वो वैल्यू डिलीवर करते हैं, वो काम वो पहले कर चुके होते हैं, वो आपको अपना रोड मैप देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि आप 10 साल गुजारें, अपना टाइम ज़ाया करें, वो आपको 10 साल की जगह 1 साल में जो उन्होंने गलतियाँ की होती हैं सारी चीज़ें, वो आपको बंडल फॉर्म में कुछ ही रुपयों, कुछ ही डॉलर्स में आप पे करके उससे ले लेते हैं, राइट? तो हाँ, पाकिस्तानी रुपयों में वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन बाद में जब आपको वैल्यू मिलती है तो आप कहते हो कि यार वैल्यू फॉर मनी। अगर मैं कंपैरिजन करूँ पाकिस्तान से, तो 100 बंदों के लिए वो काम, अगर आप 100 बंदे कोई प्रोग्राम लेते हैं तो एक बंदे के लिए काम करता है, 99 के पीछे चले जाते हैं, राइट? वो बंदा, उसको मैं लक ही समझूंगा, उसको इन्फॉर्मेशन का वो मैं नहीं समझूंगा। तो उसमें से वो होता है कि जो ब्रिटिश या यूएस के जो एंटरप्रेन्योर हैं या मेंटोस हैं, तो उनकी सक्सेस और एफिशिएंसी लेवल ज़्यादा होता है कंपेयर टू पाकिस्तानी मार्केट। तो यही एक चीज़ है जो कि मुझे समझ आई है, सारी चीज़ों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो स्पेंड इन स्किल बट अलॉन्ग विद मेंटोरशिप, राइट? और मेंटोरशिप भी अच्छे आदमी से, जो काम आप करना चाहते हो उसी काम को वो बंदा 1,000 दफा कर चुका हो, 100 दफा कर चुका हो, 100 दफा नहीं, 10 बार तो कर चुका हो, और 10 बंदों को पढ़ा भी चुका हो, राइट? ऐसा ना हो कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, नहीं, इस तरह नहीं। आप कर चुके हैं, इट्स ओके, जितना चाहेंगे, जितना पैसे चाहिए मैं आपको दूंगा, मुझे रास्ता दिखा, राइट? तो इसमें एक कमी है जो कि मुझे पाकिस्तानी मार्केट में लग रही है, कि वो स्किल के साथ मेंटोरशिप नहीं लेती, इस तरह वो जिस चीज तक पहुंचना चाहते हैं उस पे साल लग जाते हैं, 2 साल 3 साल लग जाते हैं। अगर आपके पास मेंटोरशिप है तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वही चीज़ आपको 2 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों में मिल जाती है। सही जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा पाकिस्तान में है नहीं, और बहुत ही कम हमें मेंटोर्स नज़र भी आते हैं। तो
आपने आप किससे सबसे ज्यादा पहले इंस्पायर हुए, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि आप सबाबी में रहते थे, तो वहाँ की कम्युनिटी में वहाँ के लोगों से एक निकल कर एक अलग से सोच रखना, किस चीज़ ने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया? वो कौन सा ऐसा पहला क्लिक था कि आपने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है और मुझे कुछ करना है? इसको मैं एक एक चीज से कंपैरिजन दूंगा। मुझ पे कोई ऐसी थॉट नहीं आई थी जहन में, लेकिन मैं हादसाती तौर पर इस चीज में आ गया था। हादसाती तौर पर इसलिए कि मेरी लाइफ की कंडीशन इस तरह हो गई थी कि मैं इस चीज पर आ गया। अब इस पे कैसे आया, कहाँ से कनेक्शन बिल्ड हुआ, वो जो मेरी जर्नी का जो जंजीर कड़े बनने शुरू हुए, वो पहला कड़ा कौन था वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो जब मैंने सेकेंड ईयर क्लियर की तो मैंने एक बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस में मुझे लॉस हुआ काफी बड़ा, एंड देन फिर वो मुझे पैसे वापस करने थे क्योंकि मैंने दोस्तों से और सारी चीजों से लिए थे। तो उसी पैसों को वापस करने के लिए मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए था। अगर मैं किसी जगह जॉब भी करता तो मेरी 30,000 ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह होती, और उस 30,000 में मैं 10 साल तक वो लोन कभी भर नहीं सकता था। तो मुझे इस तरह ढूंढना था जिसमें से मेरी कमाई डॉलर्स में हो, इसलिए मैंने इंटरनेट पर सर्च किया। तो रेहान साहब को उस दिनों मैंने नया नया फॉलो किया था और उनको अपने कंपनी में एडिटर की ज़रूरत थी। मुझे एडिटिंग थोड़ी बहुत आती थी तो मैंने कहा कि मैं ज्वाइन कर सकता हूँ क्या। तो उन्होंने कहा आप आ जाएं ज्वाइन कर लें। तो फिर मैंने ज्वाइन किया। उनकी जो वीडियो टीम है, शरियार साहब, आरिफ साहब, उनसे मैंने सीखा साल 2 साल। एंड देन फिर उसके बाद मैं डेली 4 घंटे एक्स्ट्रा, ऑफिस आवर्स के एक्स्ट्रा मैं लगाता था लर्निंग पे, और देखता था कि यार इंडस्ट्री कहाँ है, किस साइड भी जा रही है, कहाँ मैं फिट हो सकता हूँ, कहाँ मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर रेहान साहब के कनेक्शन में डेनिस आ गए, डेनिस पाकिस्तान आए, उनसे मिला, फिर उनके बिजनेस मॉडल को समझा। देन फिर उसने 5 तकरीबन 6 महीने पहले मैंने जहन में तय कर लिया था कि यार 6 महीने बाद मैं यहाँ नहीं बल्कि डेनिस की कंपनी में होना है मुझे किसी भी हालत में। तो फिर मेरी छुट्टी हुई ऑफिस से ईद के लिए, फिर मैं यहाँ आया और मैंने प्रपोजल भेजा तो प्रपोजल वो बन गया। उस टाइम एडिटर की ज़रूरत भी थी, कंपनी भी ग्रूमिंग पे थी, क्लाइंट्स को वीडियोज़ भी चाहिए थे। तो उस टाइम फिर मेरी जॉब लग गई और फिर रेहान साहब की जो कंपनी फाउंडेशन से मैंने फिर क्विट कर लिया था। तो इस तरह की वो चीजें हैं। तो पहली कड़ी जो थी, जो कि मैंने रेहान साहब को देखा था, वो कहते थे कि यार आप इतना क्यों नहीं कमाते, इतना क्यों नहीं कमाते, तो ग्रूमिंग वो वहां से हुई। फिर उसके बाद फिर मैं रुका नहीं, और अभी तक अगर मैं किसी महीने जितना कमाता हूँ तो अगले महीने नेक्स्ट टारगेट होता है, 6 महीनों का अलग होता है, साल का अलग होता है। तो इस तरह चलती हैं सारी चीजें। एक जगह स्टक में नहीं रह सकता। अगर मैं 2 महीने एक जैसी अमाउंट कमा लूं तो फिर मैं परेशान होता हूं। परेशान इसलिए नहीं होता कि मेरा गुजारा नहीं होता, गुजारा हो जाता है। गुजारा उस टाइम भी होता था जब पैसे नहीं होते थे, राइट। लेकिन मैं समझता हूँ कि यार मैं ग्रो नहीं हुआ, राइट। जैसे लास्ट के 3 महीने मैंने जो 3 घंटे अपने लर्निंग पे वो स्पेंड करता था, वो मैंने स्किप कर दिए थे और मैं काम करना शुरू कर दिया था। उससे मुझे नुकसान ये हुआ कि अब जो मुझे मसले आते हैं उसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ, और उसी रेडी ना होने की वजह से मैं इनकॉम्फिटेंसी के फील्ड में जा रहा हूँ। और अगर आप इनकॉम्फिटेंसी के फील्ड में चले जाते हैं तो आपकी रिप्लेसमेंट ऑलरेडी रेडी है, राइट। दूसरा आके आपको बैग में से लात मार के चला जाएगा, एंड देन यू विल बी एज सून एज यू विल बी रिप्लेस। पाकिस्तान में ये कंसेप्ट नहीं है, US में ज़्यादा है। यू हैव टू बी मोर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, एक्सपर्टीज, टीम मैनेजमेंट और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें। तो द मोर यू आर अथॉरिटेटिव, द मोर यू आर वेल्थी, आप पैसे भी ज़्यादा कमाते हैं, आप चार्ज भी ज़्यादा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ। सही। तो जैसे आपने बताया कि ये डिफरेंट चैलेंजेस हैं, खास तौर पे सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हम बस स्किल अगर सीख लेते हैं, हम वीडियो एडिटिंग सीख ली, हमने ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सीख ली, उसके साथ साथ भी हमें और बहुत सारी स्किल्स हैं जो डेवलप करनी है अगर हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में ग्लोबली काम करना है। अभी मैं आपके इंटरव्यूज़ डिफरेंट देख रही थी फेसबुक पे, और मैं देख रही थी कि कैसे आप डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेट करते थे और कैसे आपने अपने आप को ग्रो किया। तो ये जो इंटरव्यूज़ का एक आपको बताया
रेहान साहब ने कि किस तरह से आप इंटरव्यूज लें डिफरेंट लोगों के, तो वो इंटरव्यू लेना आपको आज कितना काम आ रहा है? उस इंटरव्यू सीरीज में मेरी ये थी कि कैमरा हेजिटेशन खत्म हो गया था, राइट। एक फायदा तो ये हुआ, जब आप कैमरे से नहीं डरते तो आप 1,000 बंदों को भी बात कर सकते हैं, 20 और 100 को भी कर सकते हैं, राइट। आप आर्मी के आगे, प्राइम मिनिस्टर के भी आगे बोल सकते हैं, क्योंकि वो हेजिटेशन खत्म हो जाती है कैमरे से। एक प्लस पॉइंट ये है, कंटेंट क्रिएशन में आपको मसले नहीं आते। दूसरा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपका कम्युनिकेशन लेवल यहाँ से यहाँ हो जाता है, तो स्काई रॉकेट बन जाता है आपका कम्युनिकेशन स्किल। तो इसमें से ये है कि आपको बात कैसे करना है, डिस्कशन शुरू कैसे करनी है, एंड कैसे करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसमें से बंदे को समझ आ जाती हैं। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते क्योंकि उनकी हेजिटेशन इतनी होती है, वो डरते हैं कि यार मेरा अब्बू क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये फेसबुक पे लाइव आता है, ये बोला फला, तो फिर तो आप भूल जाएंगे कि आपको पैसे कमाने हैं, राइट। अगर आप ये सोचते हैं कि यार फलाना क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, अगर उसके घर से आपको आता है तो इट मीन्स कि आप कुछ ना करें, राइट, क्योंकि आपका फंड रेजर ही वही है। अगर वो नहीं है तो आपको क्या परवाह, राइट। आपको अल्टीमेट पावर से, अल्लाह से, आप रूल्स क्रॉस ना करें, वो काम ना करें जो कि आपको ईमान से फारिग कर दे। अगर उसकी अम्ब्रेला के अंदर है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो करें, रिश्तेदार तो वो तो खपा होते रहते हैं, राइट। वो तो कभी राजी होंगे नहीं, रिश्तेदार तो क्या अपनी बीवी राजी नहीं होती आजकल। तो उसमें से ये है कि आपको चीज़ों को देखना पड़ता है, और इंटरव्यूज में सजेस्ट करूंगा हर किसी को वो करें, राइट। अगर मैं इस फील्ड पे हूँ तो मैं शुरू कर रहा हूँ इस तरह कि मैं उस अपने फील्ड के जो टॉप के बंदे हैं उनको मैसेज करके उनसे इंटरव्यू शेड्यूल कर सकता हूँ, फिर उसी इंटरव्यू को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में तब्दील कर सकता हूँ, उसको आर्टिकल्स में तब्दील कर सकता हूँ, तो उससे मुझे फ़ायदा है, राइट। अगर आप स्टार्टिंग में इंटरव्यूज कर रहे हैं उसको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उसको आपको डबल फायदे होते हैं। इन टर्म्स ऑफ आपको कंटेंट भी मिल जाता है, एक रिलेशन भी हो जाता है। अगर आप 1 घंटा किसी से बात करते हैं तो आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता, वो आपको याद रखेगा। मैसेज वाला भूल सकता है, 1-2 दफ़ा बात हुई वो आपको भूल सकता है, लेकिन फेस टू फेस अगर कैमरा भी है, आपने बात की, तो कोई आपको नहीं भूल सकता। तो ये प्लस पॉइंट्स हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो उसके लिए जो वीडियोस हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनका फ़ायदा है। वीडियो बनाने के बाद आप एक दूसरे को कभी भूल नहीं सकते, एक दूसरे से अगर आपने हाफ एन आवर या 25 मिनट बात कर ली है। तो जिस तरह से आपने बताया कि ये तो चैलेंज एक था आपके लिए कि भाई अब मैंने, क्योंकि हमारे मोस्टली जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि वो इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, और वो हमेशा से इसलिए डरते हैं कि हम कैसे अमेरिकन क्लाइंट्स के साथ बात करेंगे, बाहर के लोगों के साथ कैसे बात करेंगे। तो आपने इस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया? अच्छा, इसमें से 2 चीज़ें हैं। हम क्या करते हैं कि हम अगर किसी को मैसेज करते हैं दोस्ती बनाने के लिए, क्लाइंट बनाने के लिए नहीं, क्लाइंट वो बहुत बाद में बनता है, बहुत बहुत मतलब 3-4 राउंड्स ऑफ मैसेजेस, 2-3 हफ्तों के बाद वो फिर सोचता है कि आपकी सर्विस कैसी है, राइट। पहले कनेक्शन कैसे बनाएं, आपको मैं सिंपल तरीका समझाता हूँ। चैट जीपीटी अभी निकला है, इससे पहले बहुत मुश्किल था किसी को भी समझाना। अब ये है कि चैट जीपीटी को आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं कि यार ये पला बंदा है, ये इसकी लिंक्डइन प्रोफाइल बायो है, और इसको मैं एक कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करना चाहता हूँ ताकि मेरे ये कनेक्शंस में आ जाए। ये मैंने टेस्ट किया था जब मैं कराची में था, महीना पहले, एंड ये सक्सेसफुली जा रहा था। मैंने 30 बंदों को मैसेज किया था, और 27 बंदों में से, वो भी 30 बंदे आम बंदे नहीं थे, बहुत बड़े बड़े कंपनियों के मालिक थे, और मैंने टेस्ट करने के लिए उनको ये किए थे, तो उसमें से 27 बंदों ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, राइट। तो चैट जीपीटी से आप प्रॉम्प्ट लिखते हो, अबाउट सेक्शन प्रोफाइल का कॉपी करते हो जिसको आपने भेजना है, एंड देन वो आपको एक टेक्स्ट लिख देता है, सिर्फ आपको उसमें नाम चेंज करना होता है और वो आपको भेज देता है। दूसरा, आपने उनको मैसेज कैसे करना है, अगर आप समझते हैं कि यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उसमें से ग्रामर एरर्स हैं, आप अपने जबान में एक
मैसेज लिखेंगे। मैसेज क्या लिखेंगे कि आप उसके प्रोफाइल को व्यू करेंगे कि यार वो काम क्या कर रहा है, दुनिया में उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, उसकी कंपनी कितनी है, कंपनी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। आपने उसके उसको मैसेज ऐसे कर रहा है कि आप उसके बारे में केयर कर रहे हो, इस तरह नहीं कि यार रख जाते किसी को मिल लिए और आपने सलाम कर लिया, नहीं। आपने फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है वो आर्टिकल्स लिख रहा है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, राइट, तो आप उसको मैसेज करेंगे कि हाय मिस्टर एक्स, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई लैंडेड ऑन योर प्रोफाइल एंड आई सा यू आर हेल्पिंग दिस इंडस्ट्री इन दिस एरिया, राइट। उसमें से फिर आपने बाद में लिखना है कि आई एम इंटरेस्टेड टू कनेक्टिंग विद यू फॉर फर्दर कोलेब्रेशन और लर्निंग एक्सपीरियंस, बेस्ट, एंड आप उज्मा हैं, अली हैं, जो भी हैं अपना नाम लिख देंगे। दो तीन जुमले लिख देने, आपने सारा आर्टिकल उसके लिए नहीं लिख देना, ना उसके पास टाइम है कि वो पढ़ सके, राइट। तो सारी चीज़ें आपको देख के करनी है। शॉर्ट मैसेज वो पढ़ लेते हैं और आपको रिप्लाई भी दे देते हैं, कनेक्शन रिक्वेस्ट भी। आप जब कनेक्शंस में आ जाएं तो आप उसके पोस्ट पे कमेंटिंग करेंगे, एंगेजमेंट्स करेंगे, तब जाके वो आपको समझना शुरू करता है और आप अगर उसको मैसेज करते हैं तो वो रिप्लाई भी देता है, राइट। तो आजकल चैट जीपीटी है, बहुत हेल्प करता है। आप अपने जबान में मैसेज लिखें, उसमें ग्रामर एरर्स होंगे, आप चैट जीपीटी को कहें कि यार करेक्ट ग्रामर कॉपी पेस्ट करें, वो आपको साफ सुथरा मैसेज लिख के दे देगा और उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, 90% लोग मैसेजेस में बात करते हैं, कॉल में बहुत बाद में जाते हैं, बहुत बाद में जाते हैं। जब आप हायर होते हैं तब कोई ऐसा मौका आ जाता है कि आप कॉल पे चले जाते हैं, अदरवाइज कॉल का इशू नहीं है। तो आप रिटन इंग्लिश भी चैट जीपीटी से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, डिपेंड ऑन कि आप चैट जीपीटी को यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। सही, ठीक हो गया। आपने बताया कि जब अब तो चैट जीपीटी के थ्रू जो वो इंग्लिश वाला मसला है काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया, और बाकी अगर आपने अपनी इंग्लिश स्पोकन इम्प्रूव करनी है तो जितना आप जो है वो फॉरेनर्स के साथ इंटरव्यूज़ के थ्रू बात कर सकते हैं उस पे प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे हमारे जो यहाँ पे हैं यंग लोग हैं वो जॉब्स ढूंढ रहे हैं और डिफरेंट एरियाज़ में उनके स्किल्स भी हैं और वो एक फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं। तो अगर जैसे कि आपने बताया कि आपने ब्लिट्स मैट्रिक्स में स्टार्ट किया, तो अगर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहे तो किस तरह से, कौन सी ऐसे ट्रेनिंग्स या मॉड्यूल्स हैं जिनके थ्रू वो इस प्रोसेस से गुजर सकता है, क्या फर्स्ट स्टेप क्या है, और क्या ये ट्रेनिंग्स और जो क्विजेज जो टेस्ट हैं इनको क्लियर करने के बाद क्या इस चीज़ की गारंटी होती है कि वो जो है अब इस काबिल हैं कि उस कंपनी में काम कर सकेंगे। अच्छा, इसमें से दो चीज़ें हैं। इसमें से ट्रेनिंग हर कोई पास कर लेता है किसी ना किसी तरह क्विज के जरिए, राइट। दूसरा, 1 मिनट वीडियो बनानी होती है, वो भी हर कोई कर लेता है। तीसरी बारी आती है कि आप किस रोल में कंपनी को हेल्प करेंगे। अगर आप आर्टिकल राइटिंग में हेल्प करेंगे तो आपको कुछ आर्टिकल्स राइट करने होंगे अपने आप से, उस गाइडलाइंस के मुताबिक जो कि हमारी गाइडलाइंस हैं। आपने इंटरनेट पर देख के हाउ टू राइट आर्टिकल, नहीं, हमारी कंपनी के अंदर कोर्सेज हैं और अपने चेकलिस्ट हैं कि उसके मुताबिक होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ यहाँ। अगर आपने लिखी है, अगर आप डेनिस उसको देख भी लेता है तो आपको यही कहेगा कि यार ये हमारे चेकलिस्ट के मुताबिक नहीं है, इसलिए पहले इसको चेकलिस्ट के मुताबिक करो, तब आपकी हायरिंग होगी, राइट। तो अगर आप कोई भी रोल ज्वाइन करना चाहें, सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ, फीचर सेक्शन में सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अगर आपके पास टाइम हो या जो भी ज्वाइन करना चाहता है उसके पास टाइम हो तो आप फीचर सेक्शन में जो भी पोस्टें हैं उनको A to Z पढ़ें। दूसरा, उसको नोट सेक्शन में लिखेंगे यार ये चीज़ ऐसी करनी है, ये चीज़ ऐसी करनी है। दूसरा, अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आपको फहद एक लड़का है उसको मैसेज करना है, माइक नामी एक लड़का है उसको मैसेज करना है कि यार मैं वीडियो VA ज्वाइन करना चाहता हूँ, कैन यू शेयर मी द वीडियो एडिटिंग चेकलिस्ट। तो उस चेकलिस्ट को फॉलो करके आपने वीडियो एडिट करना है। इसी तरह आर्टिकल राइटिंग में कंटेंट मार्केटिंग कोर्स है, उसको फॉलो करके आपने राइटिंग करनी है। इसी तरह कम्युनिटी मैनेजमेंट का अलग, सारी चीज़ों का अलग। तो
तो जब आप काम करेंगे और ग्रुप में सबमिट करेंगे अकॉर्डिंग टू द चेक लिस्ट और वो अप्रूव होगा, तो देयर इज नो एनी डाउट कि आप हायरिंग आपकी नहीं होगी, राइट? ये मैंने आपको क्लियर कर लिया, डाउट कोई नहीं होगा। अगर आपने 100% चेकलिस्ट के मुताबिक किया है तो वो आपको एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे आपको अनबोर्ड करने में, तो उसकी फिक्र किसी को भी नहीं करना। जस्ट यू नीड टू फॉलो द डायरेक्शन, राइट? एंड दूसरा, आपको सारी चीज़ें फिगर आउट करनी है और सारी चीज़ें चेकलिस्ट के मुताबिक करनी है। हायरिंग कन्फर्म होती है, राइट? मेरी इस तरह हुई है, मेरे दोस्तों की इस तरह हुई है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोसेस इस तरह हुआ है, वही वो पुराना प्रोसेस अभी भी है, एंड डेट्स फॉर ऑल। सही। तो जो लोग जिनके पास कोई बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो क्या वो भी कहीं से लाइक वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे स्टार्ट ले सकते हैं, या ज़रूरी है कि आपके पास अच्छी कोई स्किल्स मौजूद हों तब भी आप लिट्स मैट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हैं? विदाउट स्किल आप कैसे कंपनी को वैल्यू देंगे? अगर आपको कुछ आता नहीं है, कंपनी में आपके लायक कोई काम ना हो, तो हाउ डज इट पॉसिबल कि आप वैल्यू देंगे? कंपनी में आगे क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स का काम होता है क्लाइंट्स को काम डिलीवर करके देना होता है। अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं किसी टास्क को करने के लिए, तो इज़ इट पॉसिबल फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज समथिंग समवन हु हैव अ कंपनी ऑफ 100 पीपल, राइट? एंड वो कहे कि मुझे ये बंदे चाहिए, फलां स्किल के चाहिए। 10 बंदे स्किल वाले आए, 2 बंदे विदाउट स्किल आए, वो कहे कि हम लर्न करेंगे फिर आपको डिलीवर करेंगे, लेकिन लर्निंग में आप हमें पैसे दोगे, या इस तरह की कोई सीक्वेंस हो, कभी भी वो कंपनी 10 बंदों को हायर करेगा, वो 2 को नहीं करेगा। वो 2 में उसका कंपनी का मालिक का, टीम का, मैनेजर्स का टाइम भी ज़ाया होगा उनको ट्रेन करने के लिए, उनको गलतियाँ संभालने के लिए, क्योंकि एक एक चीज़ को चेक करने के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर्स का टाइम इंटरवल, उनका हावरली रेट ज़्यादा होता है VAs से, तो इस वजह से आपको ये साइड भी देखना पड़ता है कि आपको नुकसान कितना होगा किसी इनकॉम्पिटेंट बंदे को हायर करने के लिए, और आपको फ़ायदा कितना होगा किसी कॉम्पिटेंट को हायर करने के लिए। तो यू नीड टू हैव अ स्किल, विदाउट स्किल नो वन विल हायर यू, नो वन। तो इस तरह शॉर्टकट है, राइट? लिट्स मैट्रिक्स में अगर आपके पास स्किल है, कम ज्वाइनर्स, बट यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस, चेकलिस्ट, जो भी चीज़ें हैं सबको फॉलो करके आना है। फॉलो नहीं करेंगे, आई एम नॉट श्योर कि आपको किसी तरह की स्किल की भी जॉब मिल सकती है। सही, ठीक। तो आपने जिसने बताया कि स्किल्स का मस्ट होना ज़रूरी है, पहले कुछ अर्सा आपको अपने आप को जो है वो लोकली, जैसे कि आपने पाकिस्तान में लोकली अपने आप को पॉलिश किया, काम किया, और उसके बाद फिर आप अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबली लेकर गए। तो अब ये जो जिस तरह से AI आ गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ रही हैं, तो आप क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि कैसे क्या लोगों को इसकी तरफ आना चाहिए, इसको अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि जितने भी बिजनेसेस हैं वो सब AI की वजह से जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो इस स्किल को सीखना कितना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से तो हमारे कंपनी में तकरीबन 40 से ज़्यादा बंदे हैं, सही है, AI सब यूज़ करते हैं, सब लोगों का काम 40% AI एफिशिएंटली करता है, लेकिन एक बंदा भी फायर नहीं हुआ। क्यों? अगर AI सब कुछ करना शुरू करे तो ह्यूमन एक्सपीरियंस कहा जाएगा। AI निकला ही इसलिए है, अगर कैलकुलेटर निकला था, राइट, मैथ्स टीचर चले गए? नहीं, मैथ्स टीचर वही हैं, जस्ट वो जब सवाल करते थे, सवाल को सोल्यूशन निकालते थे, उसका स्पीड ज़्यादा बढ़ गया। इसी तरह सारी चीज़ें जो हैं, जो भी स्किल के मुताबिक आर्टिफिशियल टूल्स निकली हैं, वीडियो के हिसाब से, ऑडियो के हिसाब से, ट्रांसक्रिप्शन के हिसाब से, एडिटिंग के हिसाब से, वो हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए की हैं। जैसे एक काम 2 घंटे में होता था, AI आ गया, वो चीज़ 1 घंटे में होने लगी, राइट? तो यू डोंट नीड टू स्केयर अबाउट दिस। ChatGPT को मैं डेली यूज़ करता हूँ, तकरीबन 3 घंटे तो मेरे उस पर लगते हैं, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है, वीडियो का टाइटल लिखने हैं, पंक्चुएशन एरर्स निकालने हैं, ग्रामर चेक करना है। पहले हम चेक करते थे यार कॉमा का एरर है, वो कर देता है, आप सिर्फ टेक्स्ट के साथ देख के वो कर लो। तो वो सारी चीज़ें आपको एफिशिएंसी बढ़ाने में, आपका जो टास्क लेवल है उसको, इंटरवल, उसका जो टाइम है वो
कम कर देता है बहुत, राइट। तो अगर आप इसको स्किप करेंगे तो नीचे से लोग आके उस टूल्स को यूटिलाइज करके आपसे अच्छा काम डिलीवर करेंगे और आप पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए अगर आप कंपनी के बड़े लेवल पे हैं, मैनेजर हैं, जो भी हैं, आपको ज़रूरी है कि आप रूल्स सारी चीज़ों को फॉलो करें। AI टूल्स जो आपकी इंडस्ट्री में आपको हेल्प कर सकती हैं, डेली हिसाब पे यूज़ करें, यूटिलाइज करें। अगर आपके नीचे टीम काम करती हैं तो उन पे आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप डिलीवर करें कि आपको ये यूज़ करना है, ये काम ये करके देना है, इसी के ज़रिए करके देना है, राइट। बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं ऐसे, उनको मैं जब सजेस्ट करता हूँ कोई AI टूल तो वो कहते हैं कि यार हम प्रीमियर में ज़्यादा एडजस्टेड हैं, आफ्टर इफेक्ट्स में ज़्यादा एडजस्टेड हैं। इवन वो काम AI बहुत जल्दी कर देता है, लेकिन वो वहाँ उस चीज़ में इस तरह मशगूल हैं, उनको मज़ा आता है कि वो हट नहीं पा रहे, राइट। वही एक सीक्वेंस, एक टाइम आता है कि वो हट जाते हैं, मतलब रिप्लेस हो जाते हैं। तो आपने इस तरह नहीं करना, AI से डरे नहीं, इसको यूज़ करें, यूटिलाइज करें, और आप आपके हेल्प के लिए ये निकला है, राइट। ह्यूमैनिटी को हेल्प करने के लिए निकला है। अगर ये जॉब ले लें तो फिर हम कहाँ जाएंगे, राइट। तो ये तो मैं मानता नहीं हूँ कि ये जॉब ले सकता है, किसी भी नहीं ले सकता। एट द सेम टाइम आखिरी टाइम तक आपको ह्यूमंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि क्रिटिकल प्रॉब्लम्स ह्यूमन ही समझ सकते हैं, मशीन नहीं समझ सकते। सही। अच्छा, आपने बताया कि खुद को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक हम ट्रेडिशनल अगर कुछ टूल्स यूज़ कर रहे हैं तो वही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अब हम उसमें कंफर्टेबल हैं, जबकि हम AI टूल के थ्रू अपना काम 10x जो है वो बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अभी जैसे कि रिमोट वर्किंग है, रिमोट वर्किंग के बारे में अभी भी लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है। आप जैसे एक जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो USA में है, और आप खुद जो हैं वो इस टाइम कहाँ पे हैं, कराची में या सवाबी में? स्वाभी मैम आजकल जवाबी में। तो इट मींस कि आप अपने किसी भी एरिया जहाँ पे भी हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको कहीं मूव करना पड़े। तो रिमोट वर्किंग के बारे में बताएं कि इसका कितना फ़ायदा है, और अभी तक ये क्यों नहीं यकीन आ रहा लोगों को कि यस, आप अपने इलाकों में जहाँ जहाँ पे बैठे हुए हैं अगर आपके पास सिर्फ इंटरनेट है तो आप रिमोट वर्किंग कर सकते हैं और डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं। रिमोट जॉब के लिए तो पहले आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग में थोड़ी सी एक्सपीरियंस लेनी चाहिए कि किसी से दोस्ती बनानी है सोशल मीडिया पे तो कैसे, अगर आपने सर्विस ऑफर करना है तो पोलाइटली किसी को कैसे बोलना है, राइट। ये तो सारा सेल्स का काम है कि आपने क्लोज कैसे करना है, क्लाइंट्स कैसे बनाने हैं, लेकिन पोलाइटली अगर आपने किसी को मैसेज करना है तो वो कैसे आप कर सकते हैं, राइट। तो उसमें से दो चीज़ें हैं कि रिमोट जॉब में आपके पास एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आप कहीं से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हैं। मींस कि मैं सवाबी से करके कर रहा हूँ, कोई कराची से, कोई गिलगित से, जस्ट यू नीड लैपटॉप, इंटरनेट एंड आप दुनिया के किसी भी कोने में काम कर सकते हैं, अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। इस तरह नहीं है कि यार अनसर्टेनिटी है कि यार आप नहीं कमा सकते, या ये चीज़ आप नहीं कर सकते, ये चीज़ नहीं कर सकते, सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस तरह ये है कि कोई आपको अपनी रेवेन्यू डिस्क्लोज नहीं करेगा, या आपको वीडियो में नहीं दिखाएगा कि यार ये आ गई ये वो। बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखा भी चुके हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त दिखा भी चुके हैं, लेकिन अगर आप यकीन नहीं कर रहे तो आपका नुकसान है, हम क्या कर सकते हैं। अगर आप यकीन कर लें, आपका टाइम गुजर गया, आप नहीं कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, भाई को पढ़ाएं, छोटी बहन को इस पे आप वो कर लें, ऐड कर लें इसमें से, तो किसी ना किसी टाइम पर तो एक टाइम उसको भी समझ आ जाएगा, राइट। 2-3 साल, साल, 6 महीने, अगर आपके पास गाइडलाइन नहीं है तो बंदा दक के कहा जाता है, लेकिन आप कंटिन्यूसली उसके साथ लगे रहें तो आप पीछे नहीं गिरेंगे, हमेशा आगे आगे की तरफ गिरेंगे। तो ये चीज़ तो कंफर्म है, रिमोट एक्चुअल में होता है, हम कर रहे हैं, मेरे दोस्त कर रहे हैं, बहुत सारे जो मैं जानता हूँ वो सब रिमोट जॉब कर रहे हैं, राइट। तो डजंट नीड के इसमें से कोई शक व शुबा है कि यार नहीं हो सकता, हो सकता है। सही। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपने जिस तरह से काफ़ी अर्सा यहाँ पे लोकली काम किया और अब आप ग्लोबली काम कर रहे हैं, तो आप को क्या एक बड़ा डिफरेंस नज़र आया कि आप मेंटली कितना सेटिस्फाइड हैं? जब आप लोकली काम कर रहे होते हैं तो आप अपने ही जैसे लोगों को डील कर रहे होते हैं और उनके साथ डील करना भी एक मुश्किल काम है, तो आप क्या समझते हैं कि
आप क्या प्रेफर करते हैं सबको कि क्या उनको ग्लोबली काम करना चाहिए, उन लोगों में और हमारे उसमें क्या डिफरेंस है, उनके काम में और हमारे कामों में क्या डिफरेंस है? अर्निंग में तो डिफरेंस है कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें पाकिस्तान में आप उस लेवल को नहीं पहुंच सकते क्योंकि वो आपसे कहीं ज़्यादा आगे जा चुके हैं और डेफिनेटली डॉलर की प्राइस आपके पाकिस्तानी रुपीज़ की प्राइस उसमें डिफरेंस है, तो उनको आप क्या कहेंगे? उनको मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तानी मार्केट में आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले, रगड़ा थोड़ा सा खाए और एजेंसीज में जाएं, उन एजेंसीज में जो कि यूएस में अपने सर्विसेज देती हूँ। तो अगर आपको पाकिस्तानी में मिल रहे हैं तो आप काम यूएस के लिए कर रहे हो और यूएस के एक्सपर्टीज और सारी चीज़ों के मुताबिक आप काम कर रहे हो। तो उसमें से दो चीज़ें हैं, अगर आप वहाँ काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा एक चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई कि आपने वहाँ उस इंडस्ट्री के लिए काम किया और डिलीवर किया। दूसरा, आपको मौका नहीं मिलता उनसे बात करने के लिए तो आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। उसमें से आप इंटरव्यूज आपके काम आ सकते हैं। दूसरा, मैसेजिंग में बात आपके काम आ सकती है। दूसरा, रीडिंग आप रीड बुक्स रीड कर सकते हैं, राइट? तो उसमें से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो कंपेयर टू डेट कि आप कितना आप कम्युनिकेशन के लिए बेहतरी ला सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस भी दे सकते हैं, लेकिन बुक्स में सजेस्ट करूंगा कि बुक्स पावरफुल भी होती हैं, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाती है, स्टोरी टेलिंग भी अच्छी हो जाती है, सारी चीज़ें उसमें से बेहतर हो जाती है, राइट? तो उसमें से आप यूएस के साइड पे कैसे जाएंगे कि साल दो साल काम करने के बाद आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, राइट? जस्ट यू नीड टू नो कि आपको सर्च कैसे करना है इंटरनेट पे। बहुत सारे लोग को सर्च भी नहीं आता, वो सर्च गलत तरीके से करते हैं, वो एल्गोरिथम उनको गलत रिजल्ट्स देता है, गलत वीडियोस देता है, राइट? तो अगर आप सर्च अच्छी तरह सीख जाएं, अपने मसले को गूगल सर्च के ऊपर या यूट्यूब सर्च के ऊपर लिखना अच्छी तरह समझ जाएं, तो आपका प्रॉब्लम उतना ही आसान हो जाता है, राइट? तो इसमें से मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप रिमोटली उन कंपनी के बारे में जानें जो कि आपके इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और एक्टिवली उनको फॉलो कर देना। हर कंपनी में 2-3 महीने बाद, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ होती है तो उनको नए टीम मेंबर्स भी चाहिए, और नए टीम मेंबर्स के लिए वही वो अपवर्क बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अपवर्क से बेहतर वो अपने लिंक्डइन को और फेसबुक को यूज़ करते हैं पोस्ट करने के लिए कि हमें ये वैकेंसीज के लिए ये बंदा चाहिए, आप इस जीमेल पे अप्लाई कर दें, राइट? तो उसमें से वो आपको दे देते हैं और वो सक्सेसफुली हो भी जाते हैं। मैंने अपने कज़न को इस तरह किया था, उसको बहुत सारी कंपनी पालोस करवाई थी और उसी कंपनी में क्योंकि उसको मैंने उस तरह ट्रेन किया था कि यार ये काम सीख लो, फिर जब काम आएगा तो फिर मैं तुम्हें आगे हेल्प करूँगा। तो उसमें से उसने वीडियो शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ बनाना सीखी, फिर मैंने उसको कहा कि यार आप इस कंपनी को फॉलो करो एंड हर 3 महीने बाद इसी किसी ना किसी कंपनी में जॉब एप्लीकेशन आएगी। वो अपने सोशल्स पे लगाते हैं कि यार हमें चाहिए, जब आ जाए तो फिर मुझे बता दें। जब आई फिर मैंने उसके लिए प्रपोजल लिखा और उसकी फिर उसी टाइम हो गई थी जॉब, लेकिन फिर डिफ़िकल्टीज की वजह से फिर वो उसने छोड़ दी, लेकिन उसकी हो गई। तो ये चीज़ काम करती है, इसलिए आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना इसलिए नहीं ज़रूरी है कि आप स्क्रॉलिंग करते जाओ। आप काम के पेजेस को ग्रुप्स में और कंपनीज को फॉलो करते जाएं, उसमें से वो पोस्ट करते हैं और इसी पोस्ट के नीचे आप वो जीमेल देते हैं और उसी जीमेल पे आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो मुश्किल नहीं है, जस्ट यू नीड टू नो कि सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। सही, ठीक है अली, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे ज्वाइन किया और आज आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न की, जिसकी मैं थोड़ा सा उसको समराइज़ कर दूं कि हमने आपसे लर्न किया कि किस तरह से रिमोट वर्किंग पॉसिबल है। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्किल्स हैं, आप किस तरह से अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं, और कुछ अर्सा अगर आप पहले जो भी काम कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग है, अगर वो आप अपने लोकली थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, उसमें अपने आप को अपग्रेड कर लें, पॉलिश कर लें, तो कुछ अरसे के बाद फिर आप सोशल मीडिया पे ही डिफरेंट लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज के साथ। उसके लिए एक्टिव रहना ज़रूरी है और डिफरेंट कंपनीज को, रिनाउंड कंपनीज को आप फॉलो कर सकते हैं और उनके पेजेस पे जाके
उनकी इंगेजमेंट अपनी शो कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैंने लर्न की कि आप जितना वीडियो पे आके जो आपको आता है अगर आप पढ़ाना शुरू कर देंगे तो आप खुद ही कंपनीज की और लोगों की नज़र में आना शुरू हो जाएंगे, और जब कभी कोई ऑप्शन आएगी और आप उस पर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो कंपनीज आपको कंसिडर करेंगी, क्योंकि वो बहुत अरसे से आपको देख रही होंगी ऑनलाइन काम करते हुए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया ली, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आपको मैं आपको और ऑडियंस को जो देखने वाली हैं उनको मैं एक सीक्रेट टिप बताता हूँ। वो सीक्रेट टिप ये है कि सब लोग करते हैं लेकिन वो मानते नहीं, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, इसमें से मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिसको मैंने पैसे दे के हासिल किया, राइट। इसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो कि मैंने यूट्यूब से लर्न करके इम्प्लीमेंट करके उसके रिजल्ट देख के हासिल किए, राइट। इसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिसमें से मेरे साल दो साल लगे और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ और फिर मैंने वो बताया, राइट। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ हुआ, मैंने ये कहा कि मैंने एक्सपीरियंस को कहानी के फॉर्म में आपको बता दिया। इसी तरह यूट्यूब पे जो भी काम के बंदे हैं, वीडियोस तो आपको हज़ार मिल जाते हैं लेकिन जो भी काम के बंदे, इसी तरह हमारे मेंटर्स जो भी हैं वो बोलते हैं, राइट। 100 बंदों को बोलते हैं उसमें से 20 बंदे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको रिजल्ट मिलते हैं, राइट। अगर आपको दुनिया का सबसे बड़ा एलन मस्क भी बैठ के आपको नसीहत करना शुरू कर दे, आपको स्ट्रेटजीज बनाना शुरू कर दे और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, राइट, आप कहेंगे यार आप कमिटेड नहीं हैं कि यार इसको मैं अभी इम्प्लीमेंट करूँगा, आज से करूँगा, तो आप फिर ना सीखें। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा अपना कीमती टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप इंटरेस्टेड हैं कमिटेड नहीं, राइट। तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर आप किसी मेंटर को राइट आपको मसला आता है और आप इसको रीच आउट करते हैं तो आपको रिप्लाई देता है। इसी तरह मोस्ट ऑफ द टाइम हमें किसी से भी रिप्लाई रिसीव नहीं होता अगर हम सिर्फ शिकायत करने वाले बन जाए, डूअर्स ना हो। तो आपको चीज़ें करनी हैं, जो भी देखने वाला है सुनने वाला है, अगर आप चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप कोई आपके कुछ भी आपके हाथ नहीं आएगा, राइट। आपको चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी हैं, अगर आपको एबनॉर्मल लग रही हैं, आपको लग रही है कि यार ये काम नहीं करेंगी, देन प्लीज़ ये ना सुने, किसी भी वीडियो को ना दो के अपना करें और सारी चीज़ें फिर बाद में भुगते हैं, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, रिजल्ट्स आएंगे, मुझे रिसीव हुए हैं तो आपको ऑलरेडी होंगे, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को सीखने से पहले इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करें तो नहीं सीखें। सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा बल्कि आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। अच्छा, एक और सीक्रेट जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो जितने आवर्स आप पहले जब काम करते थे स्टार्ट में पाकिस्तान के लोकल उसमें, तो जितने आवर्स आप स्पेंड करते थे, क्या आप समझते हैं कि जब आप ग्लोबली काम कर रहे हैं तो उससे कम आवर्स में आप उससे ज़्यादा अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, वो तो ऑब्वियसली आप डॉलर में लेते हो तो डॉलर में मज़ा ही अलग है उसका, राइट। लेकिन इसमें से दो चीज़ें जो कि मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से पता चला, अगर आपकी घर के एक्सपीरियंस एक्सपेंसेस 40,000 हैं या 30,000 हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आपको मैं कैलकुलेशन देके देता हूँ, अगर आपके घर के एक्सपीरियंस एक्सपेंसेस हैं 30,000 और आप 25,000 कमा रहे हो, तो आप हर महीने 5,000 डेट ले रहे हो किसी से, लोन किसी से ले रहे हो, टेंशन अलग सर पे है, 25,000 को कैसे मैनेज करना है, 5,000 अगले महीने इसको कैसे देने हैं, नेक्स्ट किसी से कैसे लेने हैं, तो आप सर्वाइवल मूड पे चल रहे हो। इसमें से आपका सारी एनर्जी सर्वाइवल पे चल रही है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, ये पैसे कैसे कहाँ से बचाऊँ, ये यहाँ से बचाऊँ, तो उसमें से आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब आपको इतना काम करना पड़ता है अपने ऊपर के आप काम करते हो लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं आते, आप हर मतलब आपको इमोशनली बहुत कंट्रोल अपने आप को करना पड़ता है। अगर आप इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप पे एक कंफर्ट जोन में चले जाएंगे जहां आप कहेंगे कि यार 30,000 पे मेरा गुजारा हो रहा है, बस इससे आगे मैं नहीं जी सकता। अगर आपने आगे जाना है तो उसमें से आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा पार्ट टाइम काम लेना पड़ेगा। अगर आपकी अर्निंग रिमोट जॉब में है या डॉलर्स में है, आप 1,00,000 कमा रहे हो फॉर एग्जांपल, आपके एक्सपेंसेस 30,000 हैं, तो आपके पास 70,000 आगे सेव हो रहे हैं, राइट। उसमें से आपका माइंड फ्रीडम आ गया, सर्वाइवल मूड से आप
आगे चले गए। अब जो एनर्जीज आप सर्वाइवल पे खर्च करते थे वो आप अपने ग्रोथ पे खर्च करते हो। वो आप सोचते हो कि यार इस महीने मेरे पास ये बचे, मुझे यहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इवन दो कि मुझे पर्सेस और ये वो सारी चीजें लेनी चाहिए। नहीं, नहीं, इसको आप एसेट्स में कैसे तब्दील करें लायबिलिटीज से, राइट। दूसरा, आप ग्रोथ के बारे में सोचते हो कि नई स्किल कोई सीखनी चाहिए, ट्रेंडिंग स्किल कोई सीखनी चाहिए, अच्छी कंपनी में जाना चाहिए या अच्छे टीम अच्छे लोगों के साथ दोस्ती बनानी चाहिए। तो उसके लिए आपको एक फ्रीडम ऑफ माइंड मिल जाता है और उसमें से आपके पास पैसे तो ऑलरेडी बन रहे हैं, राइट, लेकिन आपका रेवेन्यू फिर बढ़ता ही जाता है क्योंकि आपकी सारी प्रायोरिटीज, सारी माइंड गेम हर महीने हर हफ्ते आपकी ग्रोथ ऊपर चली जाती है और वही ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है आपके पैसों में, राइट। तो द मोर यू ग्रो द मोर यू मेक, सिंपल सी कैलकुलेशन। ठीक हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इतने अच्छे टिप्स बताने का और इतने अच्छे सीक्रेट्स बताने का, आपसे बहुत कुछ लर्न किया आज, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा बात होगी और आपसे मजीद सीखने को मिलेगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू अपनी शो में बुलाने के लिए। रेहान साहब की रिक्वेस्ट पे, रेहान साहब मुझे कभी बोलते रहते हैं, उनको मैं कहता हूँ कि यार मैं टाइम निकाल लूंगा, लेकिन फिर वो बिजी इंसान है, कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता, तो उनकी लाइफ भी ऐसी है कि बहुत मुश्किल है, राइट। बहुत सारे टीम्स को मैनेज करना, ऑफिस को भी मैनेज करना, पढ़ाना भी, इंटरव्यूज भी करना, तो उन उन उनकी एनर्जीज, और मैं जवान हूँ लेकिन उतनी एनर्जीज मेरे में नहीं है, राइट। तो उनके पास एक तरह का विजडम है, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, आप भी वन ऑफ द स्टूडेंट उनकी हैं। तो बहुत शुक्रिया आपको आपके टाइम का मुझे बुलाने के लिए, एंड देन अगर ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।